हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7, SST। एज यू नो वेरी वेल, SST वी आर डिस्क्राइबिंग चैप्टर नंबर 2 इन सिविक्स। इन अवर लास्ट वीडियोस वी हैव डिस्कस अबाउट द चैप्टर्स ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर्स की क्या क्या उद्देश्य हैं, इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे, ये हम प्रीवियस वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस, इसके बारे में भी डिस्कस हो चुका है, और जो सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस का दिया था ये भी डिस्कस हो चुका है, और कौन सी कंट्री को कब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस लागू किया गया, किस कंट्री में, किस ईयर में किया गया, ये लिस्ट के अकॉर्डिंग इसका भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड इलेक्शन, इलेक्शन के बारे में भी स्टडी हो चुका है, और टाइप्स ऑफ इलेक्शंस एंड इलेक्शन प्रोसीजर, ये क्या होती है इलेक्शन प्रोसीजर, इसके बारे में भी हम डिस्कस हो चुका है हमारा। और पार्टीज़ में दिया था आपका नेशनल पार्टीज़, नेशनल लेवल की पार्टीज़, स्टेट लेवल की पार्टीज़, इस सिंबल के अकॉर्डिंग इसका भी हम डिस्कस हो चुका है। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम में आज हमको डिस्कस करना है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? तो वन पार्टी सिस्टम और मोनो पार्टी सिस्टम, यूनी पार्टी सिस्टम, ये इस पार्टी सिस्टम के नाम है कि वन पार्टी सिस्टम को हम वन पार्टी सिस्टम भी कहते हैं, मोनो पार्टी सिस्टम भी कहते हैं, या यूनी पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। इज द इन विच देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी विच फंक्शंस एंड कंट्रोल्स द गवर्नमेंट। एक ही पार्टी सिस्टम इसमें होता है जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, चाइना एंड क्यूबा। चाइना और क्यूबा ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर एक पार्टी का या वन पार्टी वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम पाया जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम बाय पार्टी सिस्टम। सो इन ए कंट्री वेयर देयर आर ओनली टू पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा देश जहां पर केवल दो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, द पॉलिटिकल सिस्टम इज नॉन एज द बाय पार्टी सिस्टम विच कंटेस्ट फॉर पावर। इन बाय पार्टी सिस्टम वन पार्टी इज इन पावर एंड अदर इज रेडी टू रूल। एक पार्टी पावर में होती है, दूसरी पार्टी शासन करने के लिए तैयार होती है। ईच हैज़ द सस्टेन रोल टू प्ले, दोनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण आंतरिक रोल होता है किसी भी गवर्नमेंट में, अल्टरनेट चांसेस ऑफ कैप्चरिंग पावर। और ऐसे सिस्टम में क्या होता है कि दोनों पार्टियों के पास बराबर के चांस होते हैं पावर में आने के लिए, यानी जो गवर्नमेंट इंग्लैंड एंड USA इसके एग्जाम बाय पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। सपोज दैट अगर एक पार्टी अभी पावर में है तो ये होता है कि इसके बाद, इस पंचवर्षीय के बाद या जितना भी जहाँ का टर्म होता है जिस कंट्री का, तो उस टर्म के बाद जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो दूसरी पार्टी की बनेगी। मल्टी पार्टी सिस्टम, कंट्रीज विच हैव मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे देश जहाँ पर दो से अधिक पार्टियाँ होती, ईच हैविंग सब्सटेंस रोल, सबका बराबर का रोल होता है टू प्ले एंड चांसेस ऑफ सिक्योरिंग पावर, आइदर सिंगल हैंडली और इन द कॉलिशन विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज। या तो सिंगल हैंडली, सिंगल हैंडल करती हैं वो गवर्नमेंट को, या फिर कॉलिशन इट मीन्स गठबंधन, कई पार्टियाँ मिलकर के सरकार को बनाती हैं। द सिस्टम इज कॉल्ड, ऐसे सिस्टम को हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे इंडिया, फ्रांस एंड इसराइल, मल्टी पार्टी सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड। ये ऐसी कंट्री है जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, जैसे कि आप अपनी कंट्री में बहुत आसानी से देख सकते हैं, बहुत सी पार्टियाँ हैं और कोई एक पार्टी पावर में आती है या फिर कई पार्टियों का गठबंधन होकर के गवर्नमेंट बनती है, उसको हम कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के फंक्शन क्या क्या होते हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टियाँ हमारे लिए क्या क्या कार्य करती हैं? तो पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्टेस्ट इलेक्शन बाई पुटिंग अप दियर कैंडिडेट्स इन द पॉलिटिकल एरिया। पॉलिटिकल एरिया जो उनका होता है वहाँ पर अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं और इलेक्शन कराती हैं। फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट बनाना और इसके बाद गवर्नमेंट को चलाना, ये भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन होते हैं। द पार्टी विच विंस द मेजॉरिटी गेट्स द चांस टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जिस पार्टी का बहुमत होता है, इट मीन्स जो पार्टी के ज़्यादा विधायक होते हैं, ज़्यादा सांसद होते हैं,
तो वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है इन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड रन्स इट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजी ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। आफ्टर फॉर्मिंग गवर्नमेंट दे इंट्रोड्यूस मैनी इकोनॉमिक, गवर्नमेंट बनने के बाद में बहुत सारी जो हमारी आर्थिक और सामाजिक स्कीम होती हैं तो बूस्ट दियर पॉपुलरिटी, उनको वो लागू करके अपनी पॉपुलरिटी को बढ़ाती हैं। दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल्स नीड एंड डिमांड्स, और लोगों की क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या मांगे हैं, उनको भी वो पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनती हैं। इफ़ दे डू नॉट इंट्रोड्यूस और इम्प्लीमेंट द सोशल एंड इकोनॉमिक स्कीम, अगर वो सोशल और इकोनॉमिक स्कीम योजनाएं नहीं लागू करती हैं, दे माइट लॉस पॉपुलरिटी, इससे उनकी पॉपुलरिटी लॉस होती है एंड आर फोर्स टू स्टेप डाउन फ्रॉम पावर टू द नेक्स्ट इलेक्शन, और अगले इलेक्शन में उनका पावर डाउन हो जाता है, इट मीन्स वो सत्ता से हट जाती हैं, उनके कम रिप्रेजेंटेटिव बन करके आते हैं। प्रोवाइड लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी का ये भी एक फंक्शन होता है कि ये लोगों के बीच और गवर्नमेंट के बीच एक लिंक होती है। द रूलिंग पार्टी कन्वेज द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल एंड टर्न कन्वे द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल्स टू द गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड द अपोजिशन पार्टी मेक्स द पीपल अवेयर ऑफ द वीकनेस ऑफ द गवर्नमेंट। जो रूलिंग पार्टी होती है कन्वे पॉलिसी, अपनी पॉलिसीज को, अपने प्रोग्राम्स को लोगों तक कन्वे करती है एंड लोगों की प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक कन्वे करती है। पीपल ऑन द दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टी होती है मेक द पीपल्स, लोगों को जागरूक करती है, जो गवर्नमेंट वर्तमान में होती है उस गवर्नमेंट की क्या क्या नीतियाँ हैं, वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके बारे में वो जागरूकता देती है लोगों को। थस थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज कंटिन्यूस चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन इज एस्टेब्लिश बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक लिंक का काम करती है। प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना और लोगों के अंदर जागरूकता लाना। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू इम्पैक्ट पॉलिटिकल एजुकेशन अमंग द पीपल, पीपल कम टू नो अबाउट द मेजर बर्निंग इश्यूज थ्रू देम, उनके माध्यम से लोगों को जो बर्निंग इश्यूज होती हैं, इट मीन्स जो ज्वलंत इश्यूज होते हैं जो चल रहे होते हैं उस समय वर्तमान समय में, उनके बारे में जानकारी मिलती है लोगों को, अबाउट विच द कॉमन मैन इज टोटली इग्नोरेंट। उन लोगों को जानकारी मिलती है, ऐसे सामान्य मनुष्यों को जानकारी मिलती है जो इस मैटर को लेकर के टोटली इग्नोरेंट होते हैं, मतलब अभिज्ञ होते हैं, उनको कुछ भी जानकारी नहीं होती है। उनको जानकारी दिलाना पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम होता है। फॉर्म पब्लिक ओपिनियन, कॉमन पीपल जनरली डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, जो सामान्य पुरुष होते हैं वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में सामान्यतः कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। इट इज़ द पॉलिटिकल पार्टीज विच पुट फॉरवर्ड दीज प्रॉब्लम्स टू द पीपल्स, ये पॉलिटिकल पार्टियाँ ही होती हैं जो लोगों तक इन समस्याओं को पहुंचाती हैं एंड क्रिएट पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग देम, और लोगों के बीच में राजनीतिक जागरूकता लाती हैं। द पॉलिटिकल पार्टीज टेक द हेल्प फ्रॉम द मल्टी मीडिया, जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं वो मल्टी मीडिया की हेल्प लेती हैं, प्रिंट मीडिया की हेल्प लेती हैं टू स्प्रेड दियर मैसेज एंड मेक पब्लिक ओपिनियन इन दियर फेवर। इन दिस वे रूलिंग पार्टी वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियोज़।